अभी मैं जो है अगोरी किला जो कि सोनभद्र में रावर्सगंज से 35 किलोमीटर दूर है और चौपन से जो 10 किलोमीटर दूर पड़ता है उस किले का जिक्र करूंगा। ये किला बताते हैं, जैसा कि यहाँ के पुराने लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि ये किला जो है, और जो सारी जानकारियां जो मेरे द्वारा दी जा रही हैं इसमें, वो जानकारियां ज्यादातर या तो सोनभद्र की साइट से ली गई हैं या वहाँ की लोगों के बीच में जो प्रचलित कहानियां हैं उनसे बातचीत करके ली गई है, या फिर तमाम पत्रकारों ने जो समय समय पर हम लोगों तक जानकारियां वहां के बूढ़े बुजुर्गों से प्राप्त करके दी है उन जानकारियों पर ही आधारित है। अभी हमारा जाना हुआ वहां पर, तो किले के भ्रमण करने की इच्छा हुई तो हमने देखा कि किला जो है खंडहर में तब्दील हो चुका है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन किले की गौरवशाली इतिहास के बारे में लोग बताते हैं। जैसा कि जानकारी मुझे मिली कि ये ईसा पूर्व निर्मित किला रहा है, ईस्वी से पहले का किला रहा है, और इस किले का निर्माण जो है खरवार शासकों द्वारा किया गया था, और बालेंदु शाह नाम के कोई शासक हुआ करते थे खरवार शासक, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था 10वीं शताब्दी के आसपास। इसका पुनर्निर्माण करवाया गया चंदेल शासकों द्वारा और खरवार शासकों द्वारा। शुरुआत में तो खरवार शासकों के अधीन रहा, लेकिन बाद में ये किला जो है चंदेल शासकों के आधिपत्य में चला गया। किला जैसा पूरा हम लोगों ने भ्रमण किया, किले के आसपास आबादी जो है आमतौर से ग्रामीण आबादी है और आदिवासी क्षेत्र है उधर, प्रकृति की सुंदरता मतलब एकदम दूर दूर तक बिखरी पड़ी है। किला जो है ऊपर 200 किलोमीटर, क्षमा चाहूंगा, 200 मीटर ऊपर पहाड़ी के टीले पर बना हुआ है, और किला दूर दूर तक, आप किले के जब ऊपर जाएंगे तो बताते हैं कि रहस्यमय भी है, आज तक कोई किले को पूरा घूम नहीं पाया है, और बहुत सी चीजें दफन हैं, और खरवार शासकों के समय में नीचे से कोई रास्ता था जो सीधे सोन नदी में जाता था, वहां से किले की महिलाएं और रानियां जो हैं स्नान करने जाया करती थीं। रोचक कहानियां हैं बहुत सी, और अलग अलग मुंह पर अलग अलग तरह की, अलग अलग लोगों से आप पूछेंगे तो अलग अलग तरह की कहानियां सुनने को मिलेगी। तो उसी में एक कहानी है जो मतलब वहां से जुड़ी हुई है, जो बड़ी फेमस रही है, मंजरी और वीर लोरिक की कहानी। वीर लोरिक तो सोनभद्र में, अगर आप अपना जो है भ्रमण करते हैं सोनभद्र में पर्यटन की दृष्टि से अगर इधर आते हैं, तो आप जैसे ही रावर्सगंज से चोपन की तरफ आएंगे तो आपको मारकुंडी नाम का एक पहाड़ मिलेगा, जहां पर एक बड़ा सा पत्थर है जो दो हिस्से में डिवाइडेड है, बटा हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है वीर लोरिक। और वीर लोरिक के पत्थर की कहानी तो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये अघोरी का किला जो है, इसमें बहुत से कमरे हमने देखे, और किले के द्वार पर ही एक दुर्गा जी का मंदिर है, और ये किला जो है देखने से ऐसा लगता है कि बदहाली का शिकार है। इसको जो है पर्याप्त तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से, तब भी ये पर्यटन का इस क्षेत्र में एक केंद्र है, और सोनभद्र में पर्यटन की दृष्टि से जो विरासतें या जो जगह शुमार हैं उसमें से ये अपने आप में नंबर 1 है, हमारे ख्याल से नंबर 1 ही कहा जा सकता है। तो यहाँ इस किले से जुड़ी एक कहानी है, जैसा बताते हैं कि सतयुग की कहानी है, मुझे तो कुछ भ्रम होता है कि सतयुग की कहानी नहीं है, लेकिन कहानी बड़ी रोचक है मंजरी और वीर लोरिक की। और इस किले का थोड़ा बहुत जिक्र देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में भी आता है, और सारा किला जो है जगह जगह दीवारें इसकी गिर रही हैं और खंडहर में तब्दील हो गया है और उपेक्षा का शिकार है। बताते हैं कि यहाँ पर आज भी जैसा कुछ तिलिस्मी बातें लोग करते हैं, रहस्यमयी बातें कुछ करते हैं, कि इस जगह पर आज भी कुछ रानियों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, और कोई राजकुमारी है जो इसमें आज भी भ्रमण करती है। तो इस तरीके की बहुत सी कहानियां हैं, और जो खास कहानी है वो मैं बताता हूं कि जो उनसे जुड़ी हुई है, मंजरी और वीर लोरिक से जुड़ी हुई कहानी है, कि यहाँ पर जो मूला भगत नाम का जो राजा होता था खरवार वंश का, वो
उसके बारे में दो तरह की बातें हैं कि वो अत्याचारी भी था एक तरफ, मैं जहां तक मैं सुना हूं कि वो अत्याचारी नहीं था, वो अच्छा राजा था। बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी चेंज हुई कि चुनौती को देखते हुए उसके तरीके में फर्क आया। तो मोला भगत जो राजा था उसका एक सरदार हुआ करता था मेहरा नाम का। वो जो मेहरा था वो यादव हुआ करता था, वो बड़ा बलशाली था और राजा के यहाँ सरदार हुआ करता था, लेकिन अपने क्षेत्र में उसने जो है थोड़ा सा अपनी ताकत बढ़ा ली थी और अपने क्षेत्र में राजा की वो चलने नहीं दे रहा था। तो राजा को थोड़ा सा चुनौती महसूस होने लगी थी उससे। तो राजा ने सोचा कि चुनौती से कैसे निपटा जाए। तो राजा तमाम तरह की बातें सोचता रहता था कि इसको किसी तरीके से छल से बल से इसको कंट्रोल किया जाए। तो एक दिन राजा ने मन में छल रखते हुए मेहरा को जो है मेहरा के साथ जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा। और राजा को मोला भगत को पूरा यकीन था कि वो मेहरा को आसानी से हरा देगा और इस तरीके से हराने के बाद उसकी ताकत को छीन लेगा, उसको जो है अपने अधीन कर लेगा। लेकिन पासा उलट गया, पासा ये उलट गया कि मेहरा खेलते समय शुरुआत में हार जीत होती रही, लेकिन बाद में मेहरा जीतने लगा और लगातार जीतते 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 उसने राजा को हरा दिया। अब राजा जब हार गया तो इस परिस्थिति में उसको शर्त के मुताबिक अपना राज्य छोड़ के जाने का निर्णय लेना पड़ा। तो राजा वहां से जो है अपना राजपाट छोड़ के पश्चिम की दिशा में चल दिया, सब कुछ मेहरा के हवाले करके, मेहरा को देकर। तो बताते हैं कि रास्ते में उसको जो है पश्चिम की तरफ जा रहा था, तो उसी समय उसको रूप बदल के ब्रह्मा जी मिले। और ब्रह्मा जी जो मिले वो तो ब्रह्मा जी ने उसको जो है कुछ सोने की मुद्राएं दी और उससे कहा कि जो है तुम जाओ फिर से जो है उसके साथ फिर से जुआ खेलो। तो जुआ खेलने उसके साथ फिर से गया और इस बार हुआ गजब की वो जो है अपना खोया हुआ राज्य मेहरा से पुनः वापस पा गया। अब शर्त रखी गई कि सब कुछ तो हार चुका था मेहरा, ये हुआ कि अब उसने अपनी बीवी को भी जो है अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। जब पत्नी को दांव पर लगाया तो पत्नी जो है वो गर्भवती थी, तो पत्नी को दांव पर लगाने के साथ साथ वो उसके गर्भ को भी हार गया। जब गर्भ को हार गया तो शर्त ये रखी गई कि अगर लड़का होगा तो मोला भगत अपने शासन में उसको अस्तबल में ले लेगा, और अगर लड़की होगी तो उसको जो है रानी की सेवा में लगा देगा। समय बीता, सब कुछ चलता रहा, मेहरा उसका गुलाम हो गया सब कुछ खोने के बाद। और आगे चल के जब मेहरा की पत्नी को जब बेटी हुई, गर्भ उसका गर्भ जब जब उसको बेटी हुई तो ये शर्त रखी गई कि शर्त के मुताबिक ये तय था कि ये बेटी जो है उसको उसकी रानियों की सेवा में लग जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई और जवान होती गई तो मोला भगत को लगने लगा कि मोला भगत उसकी खूबसूरती पर थोड़ा सा मरने लगा। उसको लगने लगा कि सब तो हमारा गुलाम, सब कुछ तो हमारे ही अधीन है, तो क्यों ना हम जो है इससे अपना विवाह कर लें। और इस तरीके से वो जब उसके बारे में सोचने लगा तो इधर मेहरा भी कमजोर हो चुका था। मेहरा ने सोचा कि अगर अगर मोला भगत से हम इसको नहीं बचाते हैं तो उसको ये चिंता खाने लगी कि अगर मोला भगत से नहीं बचाते हैं तो उस अत्याचारी भी हो गया है और शक्तिशाली भी है, वो अपना अपने मन की जो चाहेगा वो कर लेगा। इस तरीके से मंजरी को वो मंजरी जो उसकी बेटी हुई उसका नाम मंजरी रखा गया था, तो उसको अपने अधीन कर लेगा। तो उसने अपनी इस चिंता से मंजरी को अवगत कराया। इसी बीच उस मेहरा को पता चला कि वीर लोरिक नाम का कोई वीर बहादुर युवा है जो बलिया के पास गौरा नामक गांव में रहता है, और किसी विवाह समारोह में मंजरी का उससे मिलना हुआ था, जिसमें मंजरी को उसने अपना जो है दिल दे बैठा था। और मंजरी से को उसने अपनी अंगूठी पहनाते हुए कहा था कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा और तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा। तो मेहरा की जब चिंता बढ़ रही थी तो मेहरा ने जो है उसको ये सूचना पहुंचा दी वीर लोरिक को। तो लोरिक को जो है वहां से सावन का समय चल रहा था, 10वीं शताब्दी के आसपास की कहानी। नदी जो सो नदी उफान पर थी, और सो नदी उफान पर थी उधर लोरिक जो है 1 लाख के आसपास अपने बारातियों को लेकर आया था। वो बाराती बताए जाते हैं कि दरअसल वो योद्धा ही थे और बारात के रूप में आए थे, क्योंकि लोरिक को पता था कि वो राजा शक्तिशाली है मोला भगत,
वो आसानी से उसके मंजरी से उसका विवाह होने नहीं देगा। तो उसे ये अंदाजा था, उसने ये अनुमान लगा लिया था कि टकराव होगा, युद्ध होगा, और जिसके लिए तैयार होकर जाना होगा। तो बताते हैं कि वीर लोरिक जो था बहुत बहादुर था, और वो काली जी का भक्त भी बताया जाता था। और बताया जाता था कि वो जो है 85 मन की तलवार बहुत आसानी से उठा लेता था और चलाना भी जानता था। तो जब उसने अपनी तैयारी के साथ जब मोला भगत पर हमला करने का की योजना बनाई और बारात लेके जब आया, तो उस समय सावन का महीना था और इधर मंजरी उसकी यादों में एकदम खोई रहती थी और उसका उसकी प्रतीक्षा भी कर रही थी। तो इस बीच में जब वो आता है तो दो मोला भगत और वीर लोरी के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और मोला भगत उस युद्ध में हार जाता है और जबरदस्त रक्तपात होता है। और लोरिक जो है अपनी जीत सुनिश्चित करता है और मंजरी के साथ फिर विवाह होता है उसका। मंजरी के साथ विवाह होता है, मंजरी को लेकर वो फिर विदाई विदाई होती है, वो मंजरी को लेकर जाने लगता है। तो आसपास जो है उसकी बहादुरी के किस्से जो है लोगों तक पहुंच जाते हैं, उसकी बहादुरी की जो घटनाएं थी सब तक पहुंच जाती हैं, सब सबकी जुबान पर सुनाई पड़ने लगती है। विदाई के बाद जब वो जा रहा था तो उसकी वीरता पर तो मंजरी वैसे भी दिल दे चुकी थी और वीरता पर एकदम मरती थी उसके। तो मंजरी ने उससे कहा कि लोरिक, तुम मुझे अपनी वीरता की एक बार फिर से जो है निशानी दो। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा देकर जाओ इस क्षेत्र के लोगों को कि उन्हें हमेशा याद रहे हमारी प्यार की हद कितनी थी। इस तरीके से तब वो जा रहे थे तो पहाड़ पड़ती थी जिसे आज मारकुंडी की पहाड़ बोलते हैं। वो आप जब चौपन से आगे बढ़ेंगे रावर्सगंज के लिए तो रास्ते में पड़ती है। तो उसने वहाँ से जो है मंजरी ने उससे कहा कि अगर तुम बहादुर हो तो एक बार बहादुरी साबित करो, इस पत्थर को दो टुकड़े कर दो। एक बड़ा सा पत्थर था जो शिला शिला थी, जिसको उसने कहा कि अपने तलवार से काट के दिखाओ। तो उसने जो है तलवार से अपने जोरदार वार किया और पत्थर का एक हिस्सा ऊपर रह गया, एक हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। तो मंजरी ने कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा वार करना होगा कि दोनों खंड दिखाई दे, ताकि इस बात का सबूत बना रहे कि यही दोनों टुकड़े हैं जिसको तुमने अपनी तलवार से किया था। तो उसने पुनः एक बड़े से शिलाखंड पर जो है अपनी तलवार मारी और वो पत्थर दो खंड में हो गया, जिसके बीच से आर पार दिखने लगा। इसके बाद जो है मंजरी काफ़ी खुश हुई और उसने कहा कि अब ये निशानी जो है हमेशा के लिए रहेगी कि लोरिक कितना वीर था, लोरिक कितना बहादुर था। इसके बाद लोरिक वहाँ से मंजरी को के साथ विवाह करके विदाई करके उसे ले जाता है। वो पत्थर आज भी जैसा लोग बताते हैं, यकीन करना ना करना अलग विषय है, लेकिन कहानी और किस्सों में जो चीज़ें चली आ रही हैं वो इसी तरीके से हैं कि वो पत्थर आज भी है और लोग उसको जब जाते हैं तो ध्यान से देखते हैं। और सरकारें बदली तो थोड़ा संरक्षण भी प्राप्त हुआ उसको। तो वो वीर लोहित पत्थर आज भी वहाँ स्थित है। और ये जो जिस किले का जिक्र मैं कर रहा हूँ, इस किले को मैं चाहता हूँ कि और आसपास के लोगों से भी मैंने संपर्क किया, तमाम लोगों से, कुछ लोकल लोगों से, मैंने लोगों को ये बताया कि इसको अगर डेवलप किया जाए, इसको थोड़ा सा पर्यटन मानचित्र पर इसको उभारा जाए और सरकारी तरफ से भी थोड़ा सा सहूलियतें और संसाधन प्राप्त किया जाए, तो इसको काफ़ी बढ़िया डेवलप किया जा सकता है, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किले का संरक्षण भी बढ़ेगा। किले की जो स्थिति, दीवारें गिर रही हैं, कमरे टूट रहे हैं, उस पर भी कुछ कार्य हो सकेगा। तो ये किला जो है बहुत बहुत खूबसूरत है और तीन तरफ से, तीन नदियों से ये घिरा हुआ है। सुरक्षा की नज़र से ऐसा बनाया गया रहा होगा उस समय। एक तरफ बिजुल नदी है, दूसरी तरफ रेणु नदी है और रोड के बगल में बहती है सोन नदी बहती है। तो जब किले के खंडहर से आप ऊपर खड़े होकर जब देखेंगे तो नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। और 200 मीटर की ऊंचाई पर ये पहाड़ है। तो हम चाहेंगे कि इस दिशा में कुछ कार्य हो, आसपास के लोग जुड़ें। और वहीं पास में ही एक भगवान शिव का मंदिर भी है। बताते हैं कि वीर लोरिक की जो मैंने कहानी बताई उसमें एक पॉइंट तो थोड़ा सा छूट गया है, जिसको मैं जिक्र कर देता हूँ। तो बीच बीच में वीर लोरिक हार भी रहा था, कमजोर पड़ रहा था। तो उसको मंजरी ने बताया था कि जाओ भगवान शिव के पास जाओ, जो जो मंदिर है गोठानी का, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर पूजा अर्चना करो, भगवान शिव तुम्हारी सुनेंगे, क्योंकि तुम सत्य के लिए आए हो, सही के लिए आए हो, तुम्हें जीत भी तुम्हारी सुनिश्चित होगी। उसके बाद जीत भी उसको हासिल हुई। तो
तो पास ही में गोठानी नाम की जगह पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और वहाँ पहुँच कर ही महसूस होता है कि कुछ सुख शांति सा महसूस होता है। तो इस तरीके से हमारा भ्रमण यहाँ पर पूरा होता है और लास्ट में हमारा यही प्रयास रहता है कि ये जो है इस पर कुछ कार्य हो और सोनभद्र में इसको वर्ल्ड लेवल पर अगर उभारा जाए, क्योंकि पास में ही आपका बनारस है, बनारस में बहुत से विदेशी टूरिस्ट आते हैं और अगर उन्हें इस चीज़ की जानकारी दी जाए तो बहुत से ऐसे शौकीन लोग हैं जो कि आना भी चाहेंगे, तो उनके लिए टूर एंड ट्रेवल और सिक्योरिटी की थोड़ी अच्छी